हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज की क्लास है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, देखो आपको मैंने बताया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को ही मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, जिसको आप देसी भाषा में, जैसे आप विंडो कहते हो ना, जैसे आप कहते हो मैंने बहुत से लोगों को देखा है यार, है ना, कि जो कहते हैं यार मेरे फ़ोन की विंडो उड़ गई, है ना, या मेरे पीसी की विंडो ख़राब हो गई है ना। तो बेसिकली आप विंडो को किस तौर पे देखते हो, देखो मैं बताता हूँ। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, कोलगेट बहुत चला, है ना। तो अभी जो बुज़ुर्ग आदमी है या कोई भी एज्ड पर्सन है, वो क्या कहता है, चाहे हो कोई सा भी टूथपेस्ट, कोई सा भी हो, है ना, लेकिन वो क्या बोलता है कि जाओ बेटे जाके कोलगेट लेके आओ, है ना। तो हर टूथपेस्ट क्या हो गए, फेमस हो गए कोलगेट के नाम से, है ना, जबकि टूथपेस्ट का पार्ट था कोलगेट, है ना। जैसे टूथपेस्ट बहुत सारे लोग बनाते हैं, बबूल बनाती है आपकी, ये पतंजलि वाले बनाते हैं, ठीक है, पेप्सोडेंट है, और भी बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन आज भी जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, जा बेटे कोलगेट ले गया, चाहे वो हो कोई सा भी, है ना, कोई सा भी टूथपेस्ट हो, लेकिन वो जनरली उसको वो बोलते हैं। सेम ऐसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, देखो आप लिनक्स डालो या कुछ भी डालते हो तो लोग क्या बोलते हो, अरे वाह यार ये कौन सी विंडो है, अरे वाह यार ये कौन सी विंडो है। तो क्योंकि जैसे कोलगेट उस टाइम फेमस था, ऐसे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फेमस थे, तो इसीलिए अभी लोग क्या चलन में आ गया कि ये विंडोज़ कौन सी है। एक्चुअली में वो जानते हैं नहीं कि विंडोज़ एक अलग कंपनी का वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो लिनक्स है वो अलग है या मैक अलग है। जैसे लोग एंड्रॉयड का फ़ोन चलाते हैं और अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सॉफ्टवेयर जो उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ख़राब हो जाता है, तो लोग कहते हैं यार मेरे फ़ोन की है ना यार विंडो उड़ गई, जबकि विंडोज़ बिल गेट्स की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, है ना, और एंड्रॉयड गूगल वालों का है, ठीक है। तो दोनों ही बहुत अलग अलग हो गए, ठीक है, वो बाद में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक इंसान को, अगर मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, ठीक है, तो मुझे कंप्यूटर की भाषा समझ में आती है नहीं आती। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी 0-1 की भाषा समझता है। तो मैं अभी कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, ठीक है, तो कंप्यूटर बंद है, सब कुछ बंद है, स्पीकर वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं मेरे कंप्यूटर से अटैच है, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो क्या कोई गाना बजेगा, या मैं मुंह से बोलूँगा तो गाना बज जाएगा, नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा, क्योंकि कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, 0-1 की भाषा समझता है वो, और मैं समझता हूँ इंग्लिश, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम कभी कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना मैं उसकी भाषा जानता हूँ कंप्यूटर की, और ना हार्डवेयर मेरी भाषा जानता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में भी बोलूँ, देन प्लीज़ प्ले अ सॉन्ग फॉर मी फ्रॉम माय फेवरेट एल्बम ब्ला ब्ला, तो क्या ये प्ले करेगा, नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। सेम ऐसे ही सपोज करो एक हरियाणा का आदमी है, है ना, दिल पे मत लेना इसको, एंड आई एम सो सॉरी इट हर्ट्स 21, है ना, मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ हरियाणा में, कोई एक हरियाणा का इंसान है, ठीक है। तो अगर उसके सामने मैं बिल्कुल एक अंग्रेज को खड़ा कर दूँ,
या किसी चाइनीज को खड़ा कर दो, वो अपनी चिंग चैंग चुंग बोल रहा है और इधर हरियाणा का आदमी बिल्कुल ठेठ हरियाणवी जानता है, तो क्या वो दोनों को भी कम्युनिकेट कर पाएंगे आपस में, एक दूसरे से बात कर पाएंगे, एक दूसरे की बात समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि एक इंसान चाइनीज जानता है और दूसरा इंसान हरियाणवी जानता है, यानी कि दोनों की भाषा एकदम अलग है, ठीक है। हाँ, एक कंडीशन है, जब अगर बीच में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसको दोनों लैंग्वेज पता है, जिसको हरियाणवी भी पता है, जिसको चाइनीज भी पता है, तो जो हरियाणा का इंसान और जो चाइना का इंसान है वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे की फीलिंग समझ सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि बीच में एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ है एक्स वाई जेड जो दोनों लैंग्वेज जानता है, ठीक वही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो दोनों भाषा समझता है, वो बाइनरी की भी भाषा समझता है और वो इंग्लिश भी जानता है। मैंने आपको बताया, मैंने राइट क्लिक किया, कितना इजी है मेरे लिए, मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर क्रिएट किया और न्यू फोल्डर पे अपना नाम डाल दिया एक्स वाई जेड, ठीक है। मेरे लिए जो मैंने नाम डाला है वो एक्स वाई जेड है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो बाइनरी में 0110010, ठीक है ना। मेरे लिए बहुत आसान है, मैंने डबल क्लिक किया किसी गाने के ऊपर और गाना फट से चल जाता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो कुछ और है। मैंने डबल क्लिक किया तो चलता है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, नेशनल एंथम पे मैंने क्लिक किया तो चलता है सर, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो प्रोसेसिंग में कुछ और है, वो भी बिट्स में है। आपको यह जान के हैरानी होगी कि वो भी बिट्स में है, वो भी 01 की फॉर्म में है। तो देखो, अब इसको आसान करने के लिए, क्योंकि ना मैं बाइनरी जानता हूँ और ना कंप्यूटर इंग्लिश जानता है, तो हम दोनों का कम्युनिकेशन कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होता है, ठीक है। देखो, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास हार्डवेयर भी है, मेरे पास स्पीकर भी है, मेरे पास कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, डेस्कटॉप है, मेरे पास माउस है, ठीक है, और मेरे पास MP3 प्लेयर भी है, ठीक है। लेकिन मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब होगा तभी तो मैं MP3 प्लेयर डालूंगा उसमें, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, मेरे एक यूजर को जो कंप्यूटर यूज करता है उसका कम्युनिकेशन कराता है हार्डवेयर से, और एक हार्डवेयर का कम्युनिकेशन कराता है एक यूजर से, ठीक है। वो इन दोनों की जो लैंग्वेज है उसको क्या करता है, एक दूसरे से ना बताता है, ठीक है। अब ये बात तो हुई आपकी कम्युनिकेशन की, तो अब क्या आप कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बहुत इजी है, ठीक। तो अभी तक क्या हो रहा था, ना तो मैं बाइनरी समझ रहा था और ना ही ये समझ पा रहा था कि इंग्लिश क्या है, लेकिन अब ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इंग्लिश भी जानता है और बाइनरी भी जानता है, तो क्या किया इसने, हमारा दोनों का कम्युनिकेशन ये कराता है, ठीक है। अब बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इस पे ना आके ये बात करूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या क्या है, ठीक है ना, सबसे पहला और मेन आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये मेरा और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल कराता है, ईजी कराता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब उसके बाद बात आती है कि हार्डवेयर रिसोर्स, जैसे अगर मुझे स्पीकर का यूज़ करना है तो क्या होगा, तो उसके लिए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना है मुझे, तभी जाके मैं एक स्पीकर का यूज़ कर सकता हूँ या मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्वीनियंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। मेरे लिए तो इसे बहुत ही आसान है, मैं गया, मुझे दिख रहा है, मुझे प्ले करना है, मैं फाइल पे गया, डबल क्लिक किया, प्ले कर दिया मैंने,
जबकि अगर आप इसकी प्रोसेसिंग में जाओगे और ये नहीं होता तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे पहले क्या होता था, CLI चलते थे, या ऑपरेटिंग सिस्टम में बता दो आपको दो तरह के होते हैं, CLI कमांड लाइन इंटरफेस और GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन में क्या होता था, आपको हर काम करने के लिए कमांड देनी पड़ती थी, फोल्डर बनाना है कमांड दो, गाना सुनना है कमांड दो, शट डाउन करना है कमांड दो, ठीक है ना, कुछ लिखना है कमांड दो, नोटपैड खोलना है कमांड दो, पेंट खोलना है कमांड दो, मतलब कुछ भी करना तो कमांड दो। लेकिन अब कितना ईजी आ गया, तो क्या करता है, कॉन्वीनियंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद जितना भी डेटा होता है उसको मैनेज करता है। अगर सपोज को मैं किसी फोल्डर पे लॉक लगा के रखता हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरी हेल्प करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो मेरी हार्ड डिस्क दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में लगा के कोई भी इंसान मेरा डेटा चुरा सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है। तो सबसे पहले क्या आता है, हार्डवेयर, ठीक है ना, हार्डवेयर। हार्डवेयर के बाद ऊपर क्या डलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या डलती है, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन के बाद मैं यूज़ करता हूँ, जैसे अगर मुझे गाना सुनना है तो मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं हूँ यूज़र, मुझे गाना सुनना है तो मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगा, एप्लीकेशन का, यानी कि मैं MP3 प्लेयर चलाऊँगा, ठीक है। तो मेरे बाद क्या आ गई, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन किसके अंदर डली है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डली है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका विंडो हो सकता है, लिनक्स हो सकता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर डला हुआ, हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे समझो, ठीक। तो सबसे पहले हार्डवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के ऊपर एक यूजर होता है, ठीक है। तो ये बहुत तरह के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। बताइए आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। एप्पल के होते हैं, एंड्रॉयड होते हैं, लिनक्स बेस्ड होते हैं, विंडो बेस्ड होते हैं, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट बेस होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट बेस है जैसे, तो माइक्रोसॉफ्ट जो मिस्टर बिल गेट्स की कंपनी है, तो उन्होंने दो तरह के निकाल रखे, डेस्कटॉप वर्जन निकाल रखा और एक सर्वर वर्जन निकाल रखा है। सर्वर क्या होता है, आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है सर्वर, सर्विस प्रोवाइड करता है कुछ, उसको बोलते हैं सर्वर। जैसे मैं कितना ईजी है, मैंने गूगल लिखा वेबसाइट उस पर ब्राउज़र में, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला या फायरफॉक्स खोला, मैंने google.com लिखा और मेरे सामने google.com का सारा डेटा खुल गया। या मैंने कोई गाना डाउनलोड करने की साइट खोली, है ना, मैं राइट क्लिक करता हूँ या डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूँ, गाना डाउनलोड हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरे कंप्यूटर पे आ गया सारे गाने, नहीं, इसका मतलब वो सर्वर किसी और ने कहीं बनाया हुआ है, और अगर मुझे उनमें से कोई सी फाइल चाहिए तो वो मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। और डेस्कटॉप वर्जन नॉर्मल होते हैं जो अभी चल रहे हैं, जैसे मैं अभी CLI की बात कर रहा था, कमांड लाइन, जैसे MS-DOS आया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें क्या होता था, सब भैया सब कुछ कमांड दो, कमांड दे के करो सब कुछ। उसके बाद आप सबसे फेमस जो है विंडोज XP आया, ठीक है, विंडोज 7 आया, विंडोज Vista आया, उसके बाद 8, और अब लॉन्च मेरे ख्याल से हो चुका है या होने वाला होगा विंडोज 10, ठीक है ना। फिर ऐसे ही लिनक्स आ जाता अलग कैटेगरी में, लिनक्स के लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो सबसे फेमस है उबंटू है, कुबंटू है, फ्री ऑफ कॉस्ट है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम, है ना, उबंटू, कुबंटू, फेडोरा, और सारे के सारे विंडोज से पावरफुल होते हैं। ये मैं आपको जब विंडोज़ और लिनक्स का वो बताऊँगा डिफ्रेंसीसन, तब आपको पता चलेगा, है ना। तो बहुत ही सारे हैं, सब अलग अलग डिफरेंस के लिए हैं, सब अलग अलग पर्पस के लिए हैं। जैसे साइंस लिनक्स है, यह मेनली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, वॉर लिनक्स आया था मेनली वाईफाई हैक करने के लिए, उबंटू है जो सबसे बेस्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है लिनक्स का, है ना। ये मिंट है, बहुत छोटा है और बहुत प्यारा है। बॉस है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री ऑफ कॉस्ट,
ठीक है ना, बॉस का एक वर्जन और है, बॉस EDU, बॉस का एजुकेशनल वर्जन बोलते हैं इसको, है ना। इसमें आप मेरे ख्याल से 8th क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं उनकी किताबें, उनके सारे पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी मटेरियल सॉफ्टवेयर हैं वो सब इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे एंड्रॉयड है गूगल का, ये भी वैसे तो लिनक्स बेस्ड है। तो जैसे आपके जितने भी स्मार्टफोन हैं बहुत सारी कंपनी में, तो ये सब एंड्रॉयड डाल के रखते हैं, 2.2 वर्जन, 4.0, 4.0.1, 4.2.2, किटकैट, मैंगो, या मेरे ख्याल से स्ट्रॉबेरी है वो, हाँ शायद स्ट्रॉबेरी है, तो पाइन एप्पल है, तो ये सब एंड्रॉयड के वर्जन है, ठीक है। एप्पल का है, एप्पल के फ़ोन में अलग आते हैं और इसमें अलग आते हैं, ठीक है ना। इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल iOS बोलते हैं, जो डेस्कटॉप में चलता है, जो कंप्यूटर में चलता है उसको, जैसे मैक OS X बोला जाता है वैसे उसको, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेन रीजन ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए है। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेरी है, कैसी भी क्वेरी है, आप प्लीज डू राइट डाउन टू मी। माई ईमेल आईडी इज प्रवीण बिट्टू शर्मा @gmail.com, सॉरी @live.com। तो आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मेरे को आप सेंड करो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।